अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम उसाम है। मेरा नाम है मारिया। भाई आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरकार रिएक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। फिर से एक मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम तीनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो फाइनली जिसका हमें वेट था वो चीज आ चुकी है। बताएं उमर भाई आज क्या वीडियो है और क्या रेट? बिल्कुल फाइनली हीरामंडी द डायमंड बाजार का जो ट्रेलर है वो आउट हो चुका है और संजय लीला भंसाली के इस ट्रेलर के लिए बहुत से लोग वेटेड में थे और मोस्ट अवेटेड जो था वो ट्रेलर बन चुका था और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। बिल्कुल ऐसी है। तो क्योंकि जब से इसका पोस्टर और टीजर आया था ना, टीजर के बाद लोग ट्रेलर को जो है वो देखना चाह रहे थे यार ट्रेलर कैसा होने वाला है। टीजर के बाद उन्होंने दो सॉन्ग्स उनके रिलीज किए, उसके बाद जाके उन्होंने ट्रेलर। बिल्कुल थोड़ा सा उन्होंने जो है वो लेट किया है और लेकिन ये है कि उसमें हमें कास्ट मजीद और देखने को मिल गई है। क्योंकि कल पोस्टर जब इन्होंने अनाउंस किया था तो पोस्टर साथ रिलीज जो किया था उसमें फरदीन खान हमें नजर आए थे। बिल्कुल ऐसी। तो एक अलग जो है वो फिर से जो है वो हमें कास्ट देखने को उसमें नजर आ रही है। फरदीन खान किसी फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब ऐसी मूवी में ऐसे रोल में किसी नवाब वाले रोल में नजर आने वाले। उनका जो मैंने लुक देखा ना बड़ा डिफरेंस उनका लुक लग रहा था क्योंकि वो कभी इस तरह हमने देखा नहीं है ना। बिल्कुल। और बाकी जो कास्ट है वो आप सबको पता ही है कि बहुत बड़ी कास्ट है। सोनाक्षी सिन्हा है, मनीषा है, रिचा जो है वो बिल्कुल रिचा चड्ढा हैं और उसके अलावा आदिति हैं। तो बड़ी एक फेमस कास्ट है और फरदीन खान अब इसमें नजर आने वाले हैं। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि यार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। यार फटाफट से हमारे 1000 सब्सक्राइबर थोड़ा सा रह गया यार, फटाफट खत्म करें ताकि इंजॉय करें यार बात। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैवी गो। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते। जापान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। मलिका, मलिका, मलिका। Sir, these tawaifs are very powerful and they have the nawabs under their thumbs. क्या फिरोज साहब अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? तीर निशाने पे लगा है मेरी जान और हाथ पे। Excuse me, this is the men's room. ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? फरीदन दहलीज पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दी, अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। एक बार मुजरे वाली नहीं मुल्क वाली बनकर सोचो। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है। मलिका जान। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। आप इसी फव्वारे में बेजान नंगी तैरती नजर आएंगी। मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं मलिका जान का सिक्का चलता है। ओके जी। यार बहुत कमाल का और एक हिस्ट्री पे है, एक स्टोरी है और जिसको संजय लीला भंसाली ने जो है वो ऐसे कैप्चर किया है और जिसमें अंग्रेज़ों का भी दौर है, अंग्रेज़ों का ही बेसिकली वो दौर दिखाया। अच्छा, इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख के मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे बेगम जान मूवी आई थी, और उसमें भी इंडिया पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था तो उसमें उनकी हवेली आती थी, तो वो मतलब उनकी हवेली भी जो थी वो बट रही थी, तो उन्होंने कहा था यार हम ये नहीं करने देंगे, तो उसके लिए वो सब लड़ पड़े। तो ऐसे ही इनकलाब के लिए जो है इसमें भी कुछ इसी तरह का दिखाया गया है। मेरे ख्याल से ये होगा कि शायद ये जो मलिका जहाँ है उनका ये मलिका जहाँ, ठीक है, ये उनका कोठा होगा, और वहाँ पे यकीनन अंग्रेज वगैरह कोई है कब्जा वगैरह करने की कोशिश करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा का एक अलहदा महल है, वो देखा नहीं, वो पुरानी दीवारों की बात उन्होंने की थी कि पुरानी दीवारें जो है फैलांगी नहीं जाती, उनको बकायदा गिरा दिया जाता है। बिल्कुल डायलॉग बहुत जबरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि आमने सामने इनका कोई है, क्योंकि देखा नहीं कि सोनाक्षी भी सामने खड़ी होती है और मलिका जान भी सामने, एंड पे मलिका जान और सोनाक्षी जो है वो आमने सामने आ जाती है, एक दूसरे से, और मलिका जान कहती है कि ये हीरा मंडी मेरी है। बिल्कुल, यहाँ पे ना 2-3 सीन ऐसे भी दिखाए गए हैं कि एक लड़की दिखाई गई जिसने फांसी का फंदा लगाया होता है, वो भी दिखाया गया, फिर किसी की डेड बॉडी भी दिखाई गई कि वो जा रही है, और लड़कियां ही लेके जनाजा गुजर रही थी। मतलब वो स्टोरी जो है ना, आप ये मत समझे कि हाल ही कोई मतलब हीरा मंडी पे बनी हुई है, मतलब स्टोरी कुछ ऐसे हो सकती है कि मतलब कह सकते हैं आप ऐसे कि जैसे जंग की तरफ आजादी के लिए अपने लड़े हैं सब, बिल्कुल ऐसे ही है स्टोरी। और क्योंकि ये बिल्कुल रियल स्टोरी में मूवी बनी है, इस वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा हिट होने वाली है यार। और फरदीन खान भी हमें नजर आए हैं इसमें, मुझे तो मजा आया यार। और नेटफ्लिक्स पे जो है ये रिलीज होने जा रही है, और देखते हैं इसके कितने एपिसोड्स आते हैं। लेकिन ये लोगों को बहुत ज्यादा वेट होगा कि फटाफट ये 1 मई आ जाए और ये सीरीज रिलीज हो जाए, नेटफ्लिक्स पे आएगी ये। जितने भी उनके फैंस हैं उनको वेट होगा कि जाहिर सी बात है संजय सर जब भी मूवी लेके आते हैं एक होप होती है, एक लोगों को इंतजार होता है, मेहनत नजर आ रही है, और उधर सबकी मेहनत है, बहुत ज्यादा पैसा लगा, यानी कि उनका बहुत ज्यादा, यानी कि संजय लीला का नाम है यार, उनको वेट है कि फटाफट ये मूवी रिलीज हो। बिल्कुल, तो गाइज मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो गाइज मज़ा आया मुझे तो ट्रेलर देखने का, आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा, और लाजमी कमेंट सेक्शन पे ये भी बताइएगा कि आपको भी इस मूवी का ऑब्वियसली इतना ही वेट होगा जितना हमें भी, और इसकी और भी सॉन्ग्स आएंगे। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।